खोली है, वो 3.5 साल के बाद भी वैसे के वैसे फ्रेश और खाने के लायक है। मुंबई यूनिवर्सिटी की फिजिक्स की प्रोफेसर वैशाली बाम्बोले को यकीन नहीं हुआ कि वो 3 साल पुरानी इडली खा रही हैं। इडली इतनी फ्रेश थी। वैशाली की ईजाद तकनीक से इडली, ढोकला और उपमा को 3 साल तक ताज़ा रखा जा सकता है, जो रेडी टू ईट फूड होगा पर बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। इस तकनीक का नाम है इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। फूड प्रिजर्वेशन के जो टेक्निक होते हैं उसमें एक हमने नया तरीका इजाद किया है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन टेक्नोलॉजी। सो फूड सेफ्टी के तो वैसे काफी कुछ आता है उसमें, जैसे प्रिजर्वेटिव रखना है या उसे फिर धूप में सुखाना है, ऐसे काफी फूड प्रिजर्वेशन के टेक्निक्स हैं। बट ये पहली बार ऐसे हुआ है कि इस टेक्निक से जब हमने इडली, ढोकला और उपमा पे जब हमने काम किया तो हम बिना प्रिजर्वेटिव्स के इसे हम 3 साल तक अच्छा रख सके, यानी सेफ रख सके, जो खाने के काबिल रहा है। मुंबई यूनिवर्सिटी के बायो फिजियो लैब में इस तकनीक का इजाद हुआ है। इसका भारत के लिए पेटेंट भी हासिल कर लिया गया है। वैशाली बाम्बोले 6 साल से इस रिसर्च में लगी थी। इंडियन जवानों के लिए ये प्रेजेंट करना चाहते हैं, और जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं वो 3-3 साल तक स्पेस में होते हैं, तो वो भी ये खाना घर का बना हुआ ले जा सकते हैं। प्रोफेसर वैशाली की तकनीक से खाने की क्वालिटी और स्वाद में बदलाव नहीं आता है, और 3 साल बाद भी आप पैकेट खोलकर जंक फूड की जगह इडली, ढोकला या उपमा खा सकते हैं।